नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की प्रमुख सुर्खियाँ। श्रीनगर जिले के बलहामा इलाके में वन जीव विभाग के कर्मियों ने आज एक बड़े तेंदुए को पकड़कर दाछी गांव पार्क में शिफ्ट कर दिया। वन जीव विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें कल बलहामा इलाके में तेंदुए की मौजूदगी के बारे में सूचित किया गया था। बताया गया कि विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र में जाकर तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल और पिंजरा लगाया, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। अधिकारी ने कहा कि तेंदुए को पकड़ने के लिए विभाग के अधिकारियों ने दिन रात मेहनत की है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि इन जानवरों को बिना किसी नुकसान के पकड़ा गया है। उन्होंने लोगों से शाम को घरों के बाहर निकलने से परहेज करने की अपील की है। शर्मगदा में आपका आज यहाँ पे आपने बालहामा में जिस तेंदुए को पकड़ा, आपको इनपुट्स कब मिले थे, आपने केज कब नस्ब किया और कब ये कामयाबी हासिल हुई, तो हमारे नाज़रीन को इस हवाले से बताइए। हाँ सर, हमको कल 4 बजे उधर से बालहामा से आया मतलब फोन कॉल कि यहाँ कोई तेंदुआ घूम रहा था। उसी वक्त हमने कंट्रोल रूम से उठाए केज, हमारे ये तो लेबर साथ थे, हम उधर गए पूछे बालहामा में, उधर हमने नस्ब केज किया, उसमें लगाया हमने ये बेड भी लगाया, वो रात भर उधर ही बैठा। सुबह सवेरे इंशाल्लाह हमने कामयाबी हासिल की सुबह सवेरे 6 बजे। कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको खुशी महसूस हो रही है? ना, ये तो खुशी महसूस है, ये तो हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, जो ये केज वाले अपना हमारे साथ है तो इनकी बहुत मेहरबानी है कि ये तो हम शान बशान साथ रहता है, 24 घंटे हमारे साथ यहाँ रहता है, रात भर भी आता हमारे साथ यहाँ, मतलब इनकी वजह से यहाँ मतलब हमने ये कामयाबी हासिल की। परमिट की मतलब ज्यादा मतलब हम तो इसमें परमिट तो एक दो आदमी हमारे साथ है, ज्यादातर ये तो लेबर हमारे साथ रहता है, हमें हमेशा हमने इससे पहले भी 2-4 इधर कैप्चर किया, ये तो 4 वाय है इस वक्त, 3 हमने कैप्चर किया इधर। अब तो हमारे मतलब जो ये वन इलाका है उसमें भी हमने केज नस्ब किया है, जो ये मीज का इलाका है हमने उधर मतलब 10-15 दिन हो गए, उधर भी हमने पेट्रोल नहीं करता है, यही घूमता है, जो ये हमने उधर कैप्चर किया बाला में यही तो मीज भी जाता है, यही मतलब लियापड़, तो इंशाल्लाह हमने ये आज सुबह से कैप्चर किया उधर। तो क्या इलाके में कई और तेंदुए घूम रहे हैं? नहीं सर, मतलब हमारे अंदाजे में तो इस वक्त 1-2 अभी भी घूम रहा है उधर, वन इन्फॉर्मेशन आता है वन से फैक्ट्री से, इंशाल्लाह वो भी कैप्चर हो जाएगा 1-2 दिन में। तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी, अगर तेंदुआ अभी भी है तो क्या मैसेज रहेगी? हाँ सर, हम तो लोगों को यही मैसेज देता है कि सुबह शाम मतलब देर से ना निकले, क्योंकि ये तो बच्चे जैसे इनको अंदर ये बैठना है, सुबह इनकी मूवमेंट ज्यादातर शाम को होता है या सुबह सवेरे होता है, इनको हमने ये अवेयरनेस दिया है कि सुबह शाम मतलब इनको बच्चों को एहतियात करना, ये तो घरों में रहना, अगर निकलेगा तो 2-4 बंदे मतलब निकले। चलो शुक्रिया हमारे सर, शुक्रिया सर। आज बस इतना ही, अगले बुलेटिन में प्रदेश की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज 24।